या आरोप लगाएं तो समझिए कि धरातल पर क्या हो रहा है, क्या वास्तव में अत्याचार यहाँ पर हो रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। एके मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आजादी के इतने लंबे वक्त बाद या हम कहें 21वीं सदी में अगर इस तरह की बात होती है, अगर इस तरह की राजनीति होती है, तो फिर देश का विकास कैसे होगा? नहीं आसिफ, देखिए जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल पार्टी, ये उस कैक्टस के पेड़ की तरह होती है ना, जो कि हर के लिए तो आसान है। नहीं नहीं सुनिए, विकास कर ही यही रहे हैं ये। विकास मैंने आपको पहले भी बोला था, ये विकास की राजनीति नहीं करते हैं, इनके राजनीति का विकास हमेशा से होता रहा है। और एक प्रॉपर अप्रोच जो कंट्री को आगे ले जाने के लिए चाहिए, वो किसी भी पॉलिटिकल, आप देखिए 70-80% ये लोग धरनों में बिजी रहते हैं, कोई ग्रोथ की बात नहीं करते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम की बात नहीं करते हैं, एक पार्टियां दूसरे पार्टियों को उलझा के रखती है। ये विकास की बातें, विकास के काम ऐसे नहीं होते हैं जैसे ये सारी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। इनकी प्राइवेट कंपनियां ग्रो कर जाती हैं, कंट्री ग्रो नहीं करता है, इनकी पार्टी खुद इतनी ग्रो कर जाती है। फंड वाइज आप देखो, एक रिपोर्ट थी कि 600% की इनके पॉलिटिकल फंडिंग में ग्रोथ हुई है समाजवादी पार्टी। इंडिविजुअली ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, लेकिन कंट्री डी ग्रोथ पे चली जाती है। दूसरी चीज देखिए, जो सांसदों ने आरोप लगाया, आप 4 साल के बाद जब कार्यकाल खत्म होने की कगार पर होता है, चुनाव के वक्त में आप जाते तो तब जाने के लिए कहते हैं। यही पॉलिटिक्स है, ये जितने सांसद हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, इनका केवल मकसद ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं है, इनका अपना ग्रोथ अपना विकास होना चाहिए। हमारी पार्टी बढ़े, हम बढ़े, हमारी सीट सुरक्षित हो, हमारा मंत्री का पद सुरक्षित हो, बाकी पब्लिक को ये रिसोर्स को पब्लिक को एज ए रिसोर्स यूटिलाइज करते हैं अपने आप को जो है वोट बैंक बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, किस दिशा में राजनीति जा रही है? ये भयंकर बहुत पहले से ही होता है। नहीं नहीं, पहले से ही हो रहा है और बुरी दिशा में जा रही है। देखिए इसका सलूशन क्या होना चाहिए, सबसे पहले देखिए एक राष्ट्र जो बनता है ना, जो जनता या पब्लिक होती है, एक राष्ट्र को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि हम पॉलिटिकल मुद्दे या पॉलिटिकल ऐसी पार्टियों का जो रैलीज होती है, हम उनको बहिष्कार करेंगे। ये पार्टियां केवल अपना विकास, अपने नेताओं का विकास करती हैं, जनता का नहीं करती हैं। मैं बोलता हूं अन्ना हजारे की भी रैली हुई थी, बहुत सक्सेसफुल रही, बिना किसी हिंसा के, और निर्भया कांड की एक बहुत रियल रैली थी, एक रियल समस्या के लिए वो रैली थी, वहां पे भी पब्लिक बहुत ज्यादा थी। तो पब्लिक को सबसे पहले ये लेना चाहिए कि कोई इस तरीके से मैनिपुलेटेड अगर रैली हो रही है किसी पार्टी की, वो सीधे सीधे बाइकॉट कर दे कि भाई हमें वोट देना है, हम डिसाइड कर लेंगे। बुनियादी चीजों को लेकर वोट देना चाहिए।
सवाल इस बात को लेकर जब आपको लग रहा कि केंद्र सरकार ये शोषण कर रही है, भेदभाव कर रही है, अगर इन्हीं के सांसद या इन्हीं के नेता कहते हैं पार्टी छोड़ के, फिर दिखाएं उनको कि अगर पार्टी गलत कर रही है तो फिर हम जो है दलितों के साथ हैं, सत्ता भी चाहते हैं, कुर्सी भी चाहते हैं, पद भी चाहते हैं। आसिफ देखिए, आपका लॉजिक सही है और मैं बोलना ये चाहूँगा कि समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं ये किसी पॉलिटिकल एजेंडा या किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सॉल्व नहीं हो सकता है। 70 सालों से हम लोग यही देख रहे हैं, सारी पार्टियां वो सेम चीज़ें कर रही हैं, उस मामले में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये सोशल डायनामिक्स का इशू है। जैसे स्वच्छता मिशन जो मोदी जी ने चलाया था भाई, उसके लिए भी कानून बना देते, कानून क्यों नहीं बनाया उसको, उन्होंने एक सोशल सामाजिक अभियान के रूप में उसको प्रस्तुत किया। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये एक सामाजिक अभियान के रूप में होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने अभी बोला, यही क्वेश्चन मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूँ जो दलित हैं। यानी आप सत्ता की मलाई भी साथ में खाना चाहते हो और प्रोपोगंडा भी करना चाहते हो। अगर आप इतने ज्यादा निष्ठावान हैं किसी भी समाज के लिए, अगर आप इतने ज्यादा निष्ठावान हैं तो आप त्यागपत्र देकर के बाहर आइए अपनी पार्टी। लेकिन एक चीज और, क्या अपने समाज जिससे जुड़े हैं, जिसका वोट लेते हैं, उसको ये दिखाते हैं कि देखिए हम भले ही उनके साथ थे लेकिन नाराजगी अपनी दिखाते थे? वो यही है, देखिए मुंह दिखाने लाख रहे कल। आसिफ देखिए, क्या होता है कि दोनों हाथों में लड्डू रखना, ये होता है पॉलिटिक्स विद इन पॉलिटिक्स। पार्टी में रह करके हर नेता का अपना इंडिविजुअल गोल भी होता है, अपना इंडिविजुअल पॉलिटिकल कैरियर भी होता है। वो किसी क्षण के लिए, किसी समय विशेष के लिए किसी पार्टी से अभी जुड़े हैं, उनको पता है हो सकता है कल हम इस पार्टी से अलग हो जाएं, तो अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। तो वो दोनों हाथों में लड्डू रख के जो है चलना चाहते हैं कि भाई इधर भी करो और उधर भी दिखाओ। लेकिन इससे प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है ना, वो ना पकड़ में आएगा ना सॉल्व हो पाएगा। ये एक सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक बुराई है। बीजेपी ने कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास होगा, यहाँ पर जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो किसान हैं, उनके भी अच्छे दिन आएंगे। ये बात सच है क्या? सिर्फ वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल किया गया, उनको सुविधा के नाम पर, जैसे अनिल जी कह रहे, नहीं दिया गया, शिक्षा के नाम पर खाना पूर्ति होती है। नहीं देखिए आशीष, मैं बताऊँ, भगवान बुद्ध ने एक शब्द बोला था, आप्त दीपो भव। कहने का मतलब वही है, हर चीज केवल सरकार नहीं करेगी, आपको भी अपने तरफ से इफर्ट लेना पड़ेगा। अगर आप जागरूक हैं तो आपका ग्रोथ हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो उस जमाने में वो ब्रिटेन वगैरह पढ़ने के लिए गए थे, आज के 70 साल पहले, अगर वो कर सकते हैं तो सवाल यहाँ पे ये है। देखिए मैंने आपको बताया, ये टोटली एक सोशल डायनामिक्स का इशू है। केवल और केवल कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। धरातल पे जाके गवर्नमेंट को समाज में जो है जागरूकता लानी पड़ेगी और जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। कब तक आप 70 साल से आप यही बोल रहे हैं जो गरीब हैं वो गरीब रह गए, जो पिछड़े हैं वो पिछड़े रह गए हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अपने अप्रोच को यहाँ पे चेंज करना होगा, पूरे समाज को अपने अप्रोच को, गवर्नमेंट को अपने अप्रोच को चेंज करना होगा कि केवल कानूनी जामा पहना देने से, कानूनी संरक्षण दे देने से किसी का विकास नहीं।